अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक हो आप सब? आज मैं आपको बताऊंगी करेले के बीज बनाने का तरीका। बीज जो होते हैं ना, कुछ लोग फेंक देते हैं, तो मैं सबसे पहले ये फ्राई कर लूँगी। मैंने फ्राई किए थे, टाइम नहीं था मेरे पास इतना, तो फिर मैंने इसमें टमाटर, प्याज, हरी मिर्च डाल के, नमक मिर्च डाल के इसको अच्छे से फ्राई कर दिया। तो बहुत ही अच्छी इसमें खुशबू आ रही थी इसकी, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही मज़े के बनती है बनते हैं ये बीज करेले के। फिर बाद में मैंने हलवा बनाया। हलवा एक सूजी का कप लिया है मैंने, और इसमें चाशना ये 3 कप पानी के और 1 कप चीनी का है। इसमें इलायची डाल के चाशमा नीचे रख दिए, ये चाश तैयार हो रही है। ये जब ये चीनी मिक्स हो जाएगी तो हम इसको छान लेंगे। छानना नहीं, वैसे ही हमने एक बाउल में निकाल के रख देना है। ये देखो चीनी भी हो गई है, पानी भी बॉयल हो गए। फिर हम इसमें 3 अंडे डाल देंगे, वो भी मैं फेंट के रख लूँगी अच्छे से। ये देखें, अब इसको अच्छे से फेंटना है। सूजी का हलवा बहुत ही मज़े का बनता है, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही मज़े का बनता है, आप मुझे शेयर सब्सक्राइबर ज़रूर कीजिएगा। फिर इसमें घी डाल दिए, ऑयल नहीं डालना। आपने जब भी सूजी का हलवा बनाना है तो उसमें घी डालना है, ऑयल नहीं डालना। फिर जो से 1 कप मैंने सूजी का लिया था वो इसमें डाल दूँगी। और इसमें 1 इलायची डाल के इसकी अच्छे से बनाई करूँगी। ये लाइट ब्राउन हो जाएगा तो फिर इसमें हम चाश डाल देंगे जो से हमने रख दी थी बना के पहले। ये देखो, इसको हल्की आंच पे रख के ना आपने फ्राई करना है सूजी को। ये देखो लाइट ब्राउन हो गई थी, तो चूल्हा मैंने बंद कर दिया है, तो इसमें चाश डालना शुरू कर दिया है। बहुत ही इजी तरीके से बनता है ये सूजी का हलवा, झटपट तैयार हो जाता है। ये देखें, चूल्हा मैंने चला दिया था, तो ये अब वो मिक्स कर रही हूँ, फूलना शुरू हो गई है सूजी। फिर इसमें ही मैं अंडे डाल दूँगी, पहले इसका बॉयल आ जाए ना अच्छे से। चम्मच आपने हिलाते रहना है क्योंकि गिल्टी ना बन जाए आप। अब इलायची थोड़ी कम लग रही थी, पहले भी मैंने 1 इलायची डाल दी थी, 1 इलायची फिर मैंने डाल दी है। पानी में भी डाल दी थी तो इसमें भी डाल दी। फिर अंडा फेंट के रखा हुआ था ना, फिर इसमें डाल दिए। साथ में एक हाथ से चम्मच हिलाते जाना है क्योंकि गिल्टी ना बन जाए। इसको अच्छे से आपने हल्की आंच ही रखनी है, आपने अच्छे से पकाना है इसको। ये देखें, चम्मच आपने हिलाते रहना है क्योंकि गिल्टी ना बच जाए। बहुत इजी तरीके से ये हलवा बनता है सूजी का, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही मज़े का बनता है ये। देखो बनना शुरू हो गया है, अब मैं इसको 5 मिनट बस पकाऊंगी, फिर मैं इसे डिश आउट कर दूंगी बस, क्योंकि ये हलवा तैयार हो गया है। आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, आप मुझे कमेंट्स भी कीजिएगा कैसी बनी। अब मैं आपको मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।